म्युनिसिपैलिटी तो आप उन लोगों को दे दिया, जीतिए और एक माइनर आएगा, उसको बाद इलेक्शन में अगर आप काम करने का मौका देंगे तो आप जरूर कर देंगे आपका काम। बंगाल गवर्नमेंट का अंडर में जीटीए है, लेकिन जीटीए का रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसका ऊपर में है वो कभी हम लोगों के साथ बात नहीं करते। लेकिन अगर कोई कहे कि बंगाली नेपाली अलग हो जाओ, एक एक कम्युनिटी का एक एक लैंग्वेज होता है, कभी सोचा है लोग? जीटीए चुनाव आ रहा है, चुनाव का पास में कोई इशू नहीं है, बंगाली नेपाली शुरू किया, नेपाली लैंग्वेज को दरवाजा रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन कोई गवर्नमेंट दिया था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दिया। आपका लड़की लोग इंग्लिश पढ़ेगा, नेपाली नहीं पढ़ेगा और आपको हमको ज्ञान देगा? हम बंगालियों के नेपाली कह सकता है तो आप नेपालियों के बंगाली कहने से क्या इतराज है? हम कभी नहीं बोला कि बंगाली पहाड़ में कंपल्सरी होगा, झूठा है। अगर बंगला एक ऑप्शन ना रहे, आपको तो हम नहीं बोला अंग्रेजी हिंदी नेपाली मत पढ़ो, आप वो पढ़ के अगर पहाड़ के लिए हम चौथा लैंग्वेज बंगाली करते हैं तो राइट वर्ड्स को, तो क्या इतराज है?